जैसा कि आप जानते हैं कि पेट का एग्जाम होने वाला है और आप सभी लोगों की डिमांड थी कि केमिस्ट्री के कुछ फैक्ट जो हैं आपसे डिस्कस कर लिए जाएं, तो वही आज हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, मतलब आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो UP SSSC के और कुछ SSC के हैं और कुछ लोअर PCS के हैं, जिनसे उम्मीद रहेगी कि जो एक दो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो पूछ लें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। जो भी 40-45 मिनट या 50 मिनट का वीडियो होगा उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे। करना क्या होगा, 2-3 बार इस वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत इजी शुरुआत से ही लेकर के चलेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उलूल जुलूल कुछ नहीं रहेगा इसमें। और करना क्या है कि लोगों को भी आप शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिसकी इच्छा होगी वो सब्सक्राइब कर लेगा और जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक तो करेगा ही करेगा, है ना। ये आप लोगों की ही डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री के फैक्ट कुछ डिस्कस कर लिए जाएं जिनसे कुछ काम हो सके, है ना। और देखेंगे साथ में पेट के साथ साथ में जो लोग टेट देते हैं या मान लीजिए SI देने के प्लान में है, उसमें भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको पता है जब भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी से बनते हैं, केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन जो चुनिंदा हैं वही पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन होता क्या है आप उनको भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा वीडियो रहेगा जो आपका रिविजन वीडियो रहेगा, किसी भी एग्जाम के पहले एक बार इसको आप अगर देख लेंगे तो आप अच्छा करके आएंगे। जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से आप कर ले जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन क्या है परमाणु सिद्धांत, क्वेश्चन पूछा है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, है ना, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। याद रखिएगा, आपको पता है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, डाल्टन ने दिया था। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जैसे जैसे आपका वीडियो की क्लास बढ़ती जाएगी आप देखेंगे आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिलने वाले हैं। बस करना क्या है, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा जरूर और फायदा मिलेगा, ये से हो रही है। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे, डाल्टन ने दिया था। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम परमाणु की बात करें तो परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन। अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इस पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस होता है। प्रोटॉन की बात करें तो इस पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस का होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये बात क्लियर रहेगी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, डाल्टन ने दिया था। और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, ये नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये चक्कर लगाया करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षा में घूमा करते हैं। 2-3-4 फैक्ट आपके क्लियर हुए कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने दिया। और इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। प्रोटॉन क्या है, धनावेशित है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। ये चीज क्लियर है। अब देखिए इनके खोज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी खोज किसने किया है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो क्या बता देंगे, थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जेजे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे, जेजे थॉमसन ने किया था। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो क्या बता देंगे, रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जेजे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो क्या बता देंगे, चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो क्या बता देंगे, चैडविक ने किया था। क्या इतना आप लोगों की समझ में आया? अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटॉन की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया,
है ना, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो आप बता ले जाएंगे। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान संख्या क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है द्रव्यमान संख्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा जब भी द्रव्यमान संख्या की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या आपसे पूछा जाए द्रव्यमान संख्या क्या है, तो आप क्या बता देंगे, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यही क्या होता है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाएगा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप क्या बता देंगे, परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब देखिए परमाणु सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने। परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है, प्रोटॉन क्या है, धनावेशित है, न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन क्या है, ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने। और द्रव्यमान संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो क्या बता देंगे, प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। इतना मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आया होगा। इतना अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। अब देखिए आपसे पूछा गया है दो न्यूट्रॉनों के बीच में, मान लीजिए ये दो न्यूट्रॉन हैं, इन दो न्यूट्रॉनों के बीच में क्या कार्य करता है, आकर्षण बल। दो न्यूट्रॉनों के बीच में क्या कार्य करता है, आकर्षण बल, एक एट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। दो न्यूट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, आपसे ये पूछा गया है वो आकर्षण बल कौन कौन से हैं, वो आकर्षण बल कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, एक जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, गुरुत्वीय बल। एक क्या होता है, गुरुत्वीय बल, एक क्या होता है, गुरुत्वीय बल, और दूसरा क्या होता है, नाभिकीय बल। दूसरा क्या होता है, नाभिकीय बल। एक क्या होता है, गुरुत्वीय बल, और दूसरा क्या होता है, नाभिकीय बल। एक क्या है, गुरुत्वीय बल, और दूसरा क्या हो जाएगा, नाभिकीय बल। अब देखिए ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, आपसे क्या पूछा गया है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व, तो आप क्या बता देंगे, फ्लोरीन। आप क्या बता देंगे, फ्लोरीन, फ्लोरीन है ना, ये क्या होता है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। ऐसे ही अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व, तो आप क्या बता देंगे, यहां पर ऋणात्मक की बात की गई है, यहां पर किसकी बात की गई है, ऋणात्मक की है ना, यहां पर किसकी बात की गई है, रुकिएगा भाई एक सेकेंड, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। अब पूछ लेगा सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व, क्या पूछा है, धनात्मक, तो आप क्या बता देंगे, फ्रांसियम। क्या बताएंगे, फ्रांसियम है ना, दोनों क्लियर रहिएगा, दोनों एग्जाम में आपसे पूछे गए, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन, और सर्वाधिक धनात्मक कौन सा हो जाएगा, तो आप क्या बता देंगे, फ्रांसियम हो जाएगा। ऐसे ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जैसे हम न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें,
न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये चीज क्लियर रखिएगा। फिर जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक होता है, क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है अमोनिया का जलीय विलयन है, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये किसका जलीय विलयन है? तो आप क्या बताएंगे, ये अमोनिया का जलीय विलयन है। किसका? अमोनिया का जलीय विलयन है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है? तो क्या बताएंगे, अमोनिया का जलीय विलयन है। ये अमोनिया का जलीय विलयन है। और ये करता क्या है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्या करता है, लाल जो लिटमस होता है उसको कैसा कर देता है? तो क्या बताएंगे, नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहां पर लिख दे रहे हैं, लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। याद रखिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखिएगा। अब देखिए, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एल्युमिनियम के अयस्क आपसे खूब पूछा गया है, कई बार पूछा गया है एल्युमिनियम के अयस्क, है ना। एल्युमिनियम के अयस्क किसके एक्स? तो आप क्या बताएंगे, एल्युमिनियम के अयस्क, है ना। एल्युमिनियम के अयस्क सबसे फेमस क्या है? तो आप क्या बता देंगे, बॉक्साइट। सबसे फेमस क्या है? तो आप क्या बता देंगे, बॉक्साइट। ये क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट क्या है, सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन इसी के साथ में याद रखिएगा, फेल्सपार और क्रोमोलाइट। क्या याद रखेंगे, फेल्सपार और क्या याद रखेंगे, क्रोमोलाइट। क्या याद रखेंगे, क्रोमोलाइट। फेल्सपार याद रखेंगे और क्या याद रखेंगे, क्रोमोलाइट। फेल्सपार याद रखेंगे और क्या याद रखेंगे, क्रोमोलाइट। आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं, तो पहला क्या बता देंगे, बॉक्साइट। जो पूछे गए हैं वो हम बता रहे हैं। और ध्यान रखिए, आप लोगों की डिमांड पर ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, ये आपकी जिम्मेदारी। आप लोगों ने हमसे मैसेज किया है, कुछ लोगों ने वैसे ही फोन करके कहा है कि सर एक केमिस्ट्री पर वीडियो बना दीजिए फैक्चुअल, जिससे हमारा पूरा रिवीजन हो जाए। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं तो उसका परिणाम भी आना चाहिए, है ना। देखेंगे कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और कितने लोग शेयर करते हैं। तो एल्युमिनियम के अयस्क में क्या है, बॉक्साइट है, फेल्सपार है और क्या है, क्रोमोलाइट है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो आपसे पूछा जाता है, जैसे पीतल, जैसे पूछ लिया जाता है, इस तरह की कई चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है पीतल, अगर हम पीतल की बात करें, है ना, पीतल, तो पीतल में पूछा जाता है क्या क्या होता है, पीतल में क्या क्या होता है। याद रखिएगा, पीतल में कॉपर होता है और क्या होता है, जिंक। पीतल में क्या होता है, तो क्या बताएंगे, कॉपर होता है और क्या होता है, जेडेन मतलब जिंक। याद रखिएगा। और पीतल का उपयोग किसमें किया जाता है, बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, पीतल का उपयोग किया जाता है। और पीतल में क्या होता है, कॉपर होता है और क्या होता है, जिंक होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कांसा, कांसा, है ना, कांसा। आपको पता है कांसे की भी क्या होती है, मूर्तियां होती हैं। तो कांसा में क्या होता है, तो कॉपर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहां पर जिंक की जगह पर क्या हो जाएगा, एसएन मतलब टिंक, टिन। कॉपर रहेगा और साथ में क्या हो जाएगा, एसएन मतलब टिन।
दोनों में अंतर बनाए रखिएगा। क्या अंतर बनाना है आपको? जब पीतल पूछा जाएगा कि पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो आप क्या बताएंगे? कापर और जेडन जिंक। और जब पूछा जाएगा कांसा, तो आप क्या बताएंगे? कापर और एसन। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है जर्मन सिल्वर, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में याद रखिएगा, कई बार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी किसमें सिल्वर नहीं है, नाम क्या है? जर्मन सिल्वर। नाम क्या है? नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। नाम क्या है? जर्मन सिल्वर। नाम क्या है? जर्मन सिल्वर। नाम क्या है? जर्मन सिल्वर। लेकिन इस जर्मन सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर नहीं होता है, इसमें क्या होता है? कापर जिंक और निकिल। इसमें क्या होता है? कापर और क्या होता है? जिंक और क्या होता है? निकिल। याद रहेगा ना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसमें क्या होता है? कापर जिंक और निकिल। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है गन मेटल, तो गन मेटल में क्या होता है? कापर और जिंक तो होता ही होता है, साथ में क्या हो जाता है? टिन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कापर प्लस जिंक और प्लस एसएन, ये क्या हो जाएगा? गन मेटल। ये क्या है? गन मेटल। जब पूछा जाए गन मेटल में क्या क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? कापर होता है, जिंक होता है और क्या होता है? टिन होता है। ये आपसे बार बार पूछे गए हैं। तो आपने कांसा पढ़ लिया, पीतल पढ़ लिया, जर्मन सिल्वर पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया है? गन मेटल। और क्या पढ़ लिया है? गन मेटल। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है एल्यूमिनियम ब्रांच, ऐसे ही आपसे पूछा जाता है एल्यूमिनियम ब्रांच। क्या पूछा जाता है? एल्यूमिनियम ब्रांच। एल्यूमिनियम ब्रांच में क्या क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी होता है कापर और एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है? कापर होता है और क्या होता है? एल्यूमिनियम। और जो कापर होता है लगभग 90% होता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाते हैं, देंगे क्या? एल्यूमिनियम ब्रांच। आप सोचेंगे कि इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा तो ज्यादा होगी, लेकिन वास्तव में ज्यादा मात्रा किसकी है? कापर की है। ज्यादा मात्रा किसकी है, तो क्या बताएंगे? कापर की। अगला क्या है? मैग्नीलियम। अगला क्या है? मैग्नीलियम। मैग्नीलियम अगला क्या है? मैग्नीलियम। और मैग्नीलियम में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम होता है और क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। याद रहेगा ना। अब देखिए, जैसे जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो कापर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। गन मेटल की बात की जाए तो कापर है, जिंक है और टिन है। अगर पूछा जाए एल्युमिनियम ब्रांच में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कापर है और साथ में एल्युमिनियम है। मैग्नीलियम में क्या है? एल्युमिनियम है और क्या है? मैग्नीशियम है। ये चीजें क्लियर हुई ना? नेक्स्ट पेज में अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका गलनांक सबसे कम होता है, किसका गलनांक सबसे कम होता है, गलनांक सबसे कम होता है, गलनांक सबसे कम होता है ना? गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। तो आप क्या बता देंगे? पारा का। किसका? मरकरी या पारा का। किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो आप क्या बताएंगे? पारा का या मरकरी का, है ना? याद रखिएगा। अब जैसे लोहे में जंग लगना है ना, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम फैक्ट के रूप में सब बताए दे रहे हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना है ना, जो लोहे में जंग लगना, पहला तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, है ना? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, तो आप क्या बता देंगे? ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होता है?
रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, याद रहेगा ना, है ना, केमिकल रिएक्शन होती है ना। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक बार अगर जंग लग गया तो उस जंग वाले लोहे से उसी प्रकार का लोहा आप नहीं बना सकते। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में यही अंतर होता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में वापस लौट आता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं लौटता। जैसे भोजन का पाचन, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। गोबर खाद का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। किसी चीज का सड़ना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों। कैसे? जरा सोचिएगा, मोमबत्ती ये क्या है भाई? मोमबत्ती हमने बना दिया, ये है मोमबत्ती, है ना। अब मोमबत्ती में देखिए, इसमें एक धागा होता है ना, ये पीले कलर का धागा हम छोड़ दे रहे हैं, ये क्या है? धागा। ये क्या है? ये मोम का बना हुआ है मोमबत्ती, और साथ में क्या है? धागा। तो जब ये धागा जलेगा, अगर धागा जलेगा, धागा जलेगा, तो फिर से हम नया धागा नहीं बना सकते हैं। कार्बन बनके क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये जो मोम होता है, ये जो मोम होता है, तो ये मोम क्या होगा? पिघल करके यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, और इससे फिर क्या कर सकते हैं हम? एक मोमबत्ती बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं? एक मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। और ये धागा का जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि मोमबत्ती में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों होता है। जैसे आपसे कोई कहे नमक और चीनी का घोल, नमक और इसी में क्या है, सॉरी पानी, नमक और पानी का घोल, या पानी और चीनी का घोल, है ना, ये कैसा परिवर्तन है? तो क्या बताएंगे? ये सब भौतिक परिवर्तन है भाई। एवेपोरेशन के माध्यम से, वाष्पन के माध्यम से फिर से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? नमक। एक बार घोल दिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर चाहे तो आप नमक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अगर पानी में चीनी घुली हुई है तो आप एवेपोरेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? फिर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। एक चीज और याद रखिएगा, लोहे में जब जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। भार क्या होता है? बढ़ जाता है, है ना। लोहे में जब जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जब जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई लोहा है और आप चाह रहे हैं कि इसमें जल्दी से जंग लग जाए, इसमें जल्दी से जंग लग जाए, तो आपको करना क्या होगा कि इस लोहे को क्या करिए? नमक के पानी के घोल में डाल दीजिए, नमकीन पानी, नमकीन पानी में डाल दीजिए, जंग क्या होगा? जल्दी लग जाएगी। ये चीजें क्लियर हुई। अगर नमकीन पानी में डाल दे रहे हैं तो जंग क्या होगी? जल्दी लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे हम बात करें अगर सोने की शुद्धता की, है ना, सोने की शुद्धता, हम किसकी बात करें? सोने की शुद्धता को। तो आपको पता है कि सोने की शुद्धता को हम किसमें नापते हैं? कैरेट में। किसमें मापते हैं? कैरेट में। और 24 कैरेट का, कितने कैरेट का? 24 कैरेट का क्या होता है? शुद्ध सोना, शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड की अगर हम बात करें तो कितने कैरेट का होता है? बताएंगे 24 कैरेट का। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो स्वर्ण आभूषण है, है ना, ज्वेलरी, स्वर्ण आभूषण है, वो कितने कैरेट के बनाए जाते हैं? भाई देखिए, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपसे 22 कैरेट वाला पूछ लिया, तो 22 कैरेट सही है, लेकिन आज के जमाने में आप देखेंगे तो 18 कैरेट के भी आभूषण बन रहे हैं।
अब आपसे पूछ ले कि जो 18 कैरेट का आभूषण है उसमें कितने प्रतिशत सोना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा कि 18 कैरेट की ज्वेलरी है तो उसमें कितने प्रतिशत जो है सोना है, तो आप क्या बताएंगे, कैसे कर सकते हैं? भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करेंगे हम, जैसे 18 और गुणे 100 और भाग दे देंगे इसको 24 से, है ना। अब देखिए 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 4 कम 4 और 25 चौको 100, यहां पर कितना हो गया 25। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75%। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि कितने कैरेट में कितने प्रतिशत सोना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 18 कैरेट के आभूषण होते हैं उसमें 75% सोना होता है। 18 कैरेट का अगर आप स्वर्ण आभूषण खरीद रहे हैं तो उसमें कितने कैरेट का कितना प्रतिशत सोना होगा, तो आप क्या बताएंगे 75%। 22 का है तब भी आप निकाल सकते हैं, 24 का तो आपको पता है, 20 का है तब भी आप निकाल सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, सोना क्या है, सबसे तन्य धातु है। तन्य का मतलब इसको खींच करके बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, खूब खींचा जा सकता है। सोना क्या है, तन्य धातु है, इसको खींच करके बढ़ाया जा सकता है, समझ रहे हैं बात। तो जो ज्वेलरी में सोना अधिक होगा वो कैसी होगी, मुलायम, और जिस ज्वेलरी में सोने का परसेंटेज या प्रतिशत कम होगा वो कैसी होगी, कड़ी होगी, थोड़ा टाइट होगी। आप घर में भी अपनी ज्वेलरी को इस तरह से चेक कर सकते हैं, है ना, गांव देहात की ट्रिक अपना करके, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये तो पता है कि सोने की शुद्धता को हम किस में मापते हैं, कैरेट में। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरे की शुद्धता को किस में मापते हैं, तो आप क्या बता देंगे, हीरे की शुद्धता को भी कैरेट में मापते हैं। हीरे की शुद्धता को भी किस में मापते हैं, कैरेट में। यानी सोने की शुद्धता को भी किस में मापते हैं, कैरेट में, और हीरे की शुद्धता को भी किस में मापते हैं, कैरेट में। यहां तक क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, जैसे अब देखिए वैद्युत चालकता, ये बहुत हिट क्वेश्चन है ना, वैद्युत चालकता, है ना, वैद्युत चालकता, करंट के प्रवाह के बारे में बात की जा रही है कि सर्वाधिक वैद्युत चालकता किसमें होती है, तो सर्वाधिक वैद्युत चालकता किसमें होती है, क्या बता देंगे, चांदी में। और चांदी के बाद क्या नंबर आ जाता है, बता देंगे कापर, क्या आ जाता है, कापर। और कापर के बाद क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम, क्या आता है, एल्यूमिनियम। कापर के बाद क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, इस्पात, उसके बाद क्या आ जाएगा, इस्पात। भाई इसको याद रखना बहुत आसान है, कैसे, अगर आप कहें कि वैद्युत चालकता तो सर्वाधिक चांदी में है तो चांदी के वायर क्यों नहीं बनाए जाते, इतना महंगी चांदी कौन बना लेगा, है ना, मारपीट शुरू हो जाएगा, जो देखो वही तार काटे ले जा रहा है। अगर पता चला आपके घर में भी पहुंचे हैं तो बिजली का तार जैसे दिखाई दिया चांदी का है, चलो खींच के जेब में रख लें, तो इसलिए क्या करते हैं, चांदी महंगी है तो चांदी का नहीं बनाते हैं, जबकि वैद्युत चालकता सर्वाधिक किसकी है, चांदी की है, तो बनाते किसके हैं, कापर के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सस्ती चीज खोजते हैं, है ना, पंखा खरीदने गए तो कहा भाई थोड़ा कम वाला दे दो, तो कहता है ठीक है तुमको हम दे दे रहे हैं 200 रुपए कम में, ये दे दे रहे हैं, और वो क्या करेगा, एल्युमिनियम बाइंडिंग का दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कैसा दे देगा, एल्युमिनियम बाइंडिंग का, है ना। इसकी वैद्युत चालकता क्या है, कापर की अपेक्षा कम है, ये जल्दी खराब हो जाएगा, समझ रहे ना। तो वैद्युत चालकता का क्रम ऐसे याद रखिएगा कि चांदी, कापर, एल्युमिनियम और इस्पात। अब देखिए पूछा गया पेंसिल बनाने में, है ना, पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या बता देंगे, ग्रेफाइट का। पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या बता देंगे, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के बारे में याद रखिएगा कि ग्रेफाइट किसका अयस्क है, कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, तो क्या बताएंगे, कार्बन का है।
और इसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि ग्रेफाइट का प्रयोग आगे आप पढ़ेंगे कि मंदक के रूप में भी किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है तो आप क्या बता देंगे, ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है वो पेंसिल बनाने में। एक क्वेश्चन है अग्निशमन वस्त्र, अग्नि समन वस्त्र, अग्निशमन वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा एस्बेस्टास। किसका, एस्बेस्टास। अग्निशमन वस्त्र बनाने में एस्बेस्टास का प्रयोग किया जाता है। कई बार आपसे पूछा गया है अग्निशमन वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बता देंगे, एस्बेस्टास का प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन वस्त्रों में किसका प्रयोग किया जाता है तो आप क्या बताएंगे, एस्बेस्टास का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक बार आपसे पूछा गया है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम बस वही है क्या, पारा। क्विक सिल्वर क्या है, पारा। क्विक सिल्वर क्या होता है, पारा होता है। पूछा गया कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप, 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 तो आप क्या बता देंगे, हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा, है ना। ऐसे पूछा जाता है जो बर्फ है वो क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ ठोस CO2 है। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि गोताखोर, है ना, गोताखोर गहरे समुद्र में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा आपने पढ़ा होगा हीलियम और ऑक्सीजन। अगर हीलियम और नाइट्रोजन दिया है तब भी क्या हो जाएगा, सही है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिया है तब भी क्या है, सही होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी क्या होता है, सही होता है, है ना। ओजोन परत के बारे में आपको पता ही है, ओजोन परत, है ना, ओजोन परत के बारे में आप लोगों को पता है कि ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 फार्मूला होता है। और यह क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज, है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन रोकता है, ओजोन लेयर। कौन रोकता है, ओजोन लेयर। किस मंडल में पाई जाती है, तो आप क्या बता देंगे, सम ताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस सीएफसी की वजह से ही ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा था। और इस सीएफसी का यूज जो है, इस सीएफसी का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में और एसी में, सीएफसी का प्रयोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग एसी और रेफ्रिजरेटर में शीतलन के रूप में, शीतल कूलिंग एजेंट, या कह सकते हैं शीतलक के रूप में, है ना, कूलिंग एजेंट के रूप में एसी और रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बता देंगे, सीएफसी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी सीएफसी के कारण ही ओजोन लेयर में छेद हुआ था, है ना। फिर क्या हुआ, सीएफसी को हटाने की बात की गई, आपने सुना होगा सीएफसी को हटाने की बात की गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना है ना, जब एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है। तो सीएफसी में हटाने की बात की गई, तो लोगों ने यही कहा कि अगर सीएफसी हटा देंगे तो फिर एसी और रेफ्रिजरेटर भी हटाना पड़ेगा। तब साइंटिस्टों ने क्या किया था, इसमें से देखा, प्रयोग किया, अनुसंधान किया और पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें हानिकारक है, तो क्या
क्लोरीन, हानिकारक क्या है? क्लोरीन। इस क्लोरीन के कारण ही ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस क्लोरीन को ही हटा दिया और क्लोरीन की जगह पर किसका प्रयोग कर दिया, एच का प्रयोग कर दिया। अब ये क्या है, हाइड्रोजन, और बचा क्या, एफ सी। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि सीएफसी की जगह पर किस गैस का प्रयोग शुरू हो गया था, तो आप क्या बताएंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। किसका प्रयोग शुरू हो गया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। शुष्क बर्फ मैंने बता ही दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ मैंने बता दिया है आपको पहले ही कि शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ में बता देंगे, शुष्क बर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। शुष्क बर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, है ना, याद रहेगा ना। शुष्क बर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। ऐसे ही आपसे यह पूछा गया है, कि जैसे जो क्षारीय मिट्टी होती है ना, मिट्टी कैसी होती है, अगर क्षारीय मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, तो क्षारीय मिट्टी में आपको पता है कि फसल क्या होती, जल्दी नहीं उगती। क्षारीय मिट्टी में फसल नहीं उगती, तो क्षारीय मिट्टी में क्या ऐसा मिला दिया जाए जिससे फसल उगने लगे। क्षारीय मिट्टी में फसल नहीं उगती है, तो क्षारीय मिट्टी में क्या ऐसा मिला दिया जाए जिससे फसल उगने लगे। तो याद रखिएगा, क्षारीय मिट्टी में क्या मिला दिया जाता है, आप बताएंगे जिप्सम। क्षारीय मिट्टी में क्या मिला दिया जाता है, जिप्सम, तो वो मिट्टी फसल उगाने लायक हो जाती। याद रखिएगा, क्षारीय मिट्टी में जब जिप्सम मिला दिया जाता है तो वो फसल उगाने के लिए उपयुक्त हो जाती। ऐसे ही पूछा गया है ऑक्टेन संख्या, क्या पूछा गया आपसे, ऑक्टेन संख्या, क्या पूछा गया है, ऑक्टेन संख्या, क्या पूछा गया है, ऑक्टेन संख्या। किसी भी ईंधन की क्वालिटी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्टेन संख्या। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों को कैसे मापते हैं, उनकी शुद्धता को, ऑक्टेन संख्या से। याद रखिएगा, इनकी शुद्धता को किससे मापते हैं, ऑक्टेन संख्या से। किससे मापते हैं, ऑक्टेन संख्या से। एक बार आपसे पूछा गया है कि जो होती एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या क्या होता है, याद रखिएगा इसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी में क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, एथेन, और क्या होता है, ब्यूटेन, और क्या होता है, प्रोपेन, और क्या होता है, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अब आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो याद रखिएगा एलपीजी का जो मुख्य अवयव है, मतलब मुख्य रूप से एलपीजी में क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ब्यूटेन क्या होता है, मुख्य रूप से होता है किसमें, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होता है, तो क्या बताएंगे, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। पूछा जाए मुख्य रूप से क्या होता है, तो आप क्या बता देंगे, ब्यूटेन। अब एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में क्या होता है, एक गंध आती है ना, एक गंध आती। आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में उस गंध का कारण क्या है, तो आप क्या बताएंगे, एथिल मरकैप्टन। क्या याद रखेंगे, एथिल मरकैप्टन के कारण क्या होता है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। क्या आती है, एक विशेष प्रकार की गंध आती। ऐसे ही आपसे पूछा गया प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, तो आप क्या बता देंगे, मेथेन और एथेन। प्राकृतिक गैस की अगर बात की जाए, किसकी बात की जा रही है, प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की, किसकी बात की जा रही है, प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, नेचुरल गैस में क्या होता है, मेथेन और एथेन, क्या होता है, मेथेन होता है और साथ में क्या होता है, एथेन होता है। मेथेन और एथेन किसमें होता है, प्राकृतिक गैस में।
कुछ इस तरह के फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। और ध्यान रखिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करिए, है ना, जिससे फायदा मिले और भी लोगों को, है ना, जानकारी हो उनको। ऐसे ही एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रॉकेट होता है, रॉकेट, रॉकेट जानते हैं ना, है ना, रॉकेट जानते हैं ना, जैसे आप कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, वास्तव में उन्हें कहना चाहिए रॉकेट मैन, रॉकेट मैन, है ना। रॉकेट के ऊपर, रॉकेट के ऊपर अगर उपग्रह लगा दो तो वही क्या हो जाता है, रॉकेट। और उस पर अगर विस्फोटक पदार्थ लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, मिसाइल। रहता तो रॉकेट ही है, है ना। डिपेंड करता है कि उसमें क्या लगाते हैं, उपग्रह प्रक्षेपण कर रहे हैं, उपग्रह प्रक्षेपण कर रहे हैं कि विस्फोटक पदार्थ लगा देते हैं। तो कलाम जी का तो उद्देश्य यही रहा होगा कि कहीं भी मार काट कुछ ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए तो बना के रखना जरूरी है, लेकिन और बाकी समस्या ना आए। तो उनको रॉकेट मैन कहना मेरे हिसाब से ज्यादा उचित है, क्योंकि अनुसंधान पर, डेवलपमेंट पर उनका फोकस हमेशा ज्यादा रहता था, है ना। तो रॉकेट में ईंधन, रॉकेट में ईंधन का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता, बिल्कुल भाई किया जाता है। ईंधन का अगर प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो उड़ेगी ही नहीं, है ना, कोई मतलब की नहीं रहेगी रॉकेट। तो ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो उसमें ठोस ईंधन तो भर नहीं सकते, रॉकेट में हम ठोस ईंधन तो भर नहीं सकते हैं, करेंगे क्या कि उसमें द्रवित रूप में जो ईंधन होगा वही भरेंगे, है ना। तो क्या भरते हैं उसमें, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, याद रखिएगा, रॉकेट में क्या भरते हैं, द्रव ऑक्सीजन, क्या भरते हैं, द्रव ऑक्सीजन, और क्या भरते हैं, द्रव हाइड्रोजन, और क्या भरते हैं, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन भरते हैं और क्या भरते हैं, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, याद रहेगा ना, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। अब जैसे पूछा गया है आपसे मंदक, जैसे नाभिकीय विक्रियाएं हुआ करती हैं उसमें पूछा गया है मंदक, है ना, मंदक के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, है ना, मंदक, मंदक के रूप में, मंदक होता क्या है कि मंदक क्या करता है, ये न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। मंदक का मतलब समझ लीजिएगा कि ये न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है, न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है, कम कर देता है। क्लियर रहेगा ना इतना, ये क्या करता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि मंदक के रूप में किसका किसका प्रयोग करते हैं। पहला याद रखिएगा, मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, क्या बताएंगे आप, भारी जल, बहुत महत्वपूर्ण, किसका प्रयोग करते हैं, भारी जल। और भारी जल का फार्मूला याद रखिएगा D2O, भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O, भारी जल का फार्मूला क्या होता है, D2O। दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। तीसरा याद रखिएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, तीसरा क्या हो जाएगा, बेरिलियम, बेरिलियम ऑक्साइड, तीसरा क्या हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, तीसरा क्या हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड। मंदक में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की गति कम हो जाती है, मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, भारी जल का, ग्रेफाइट का और बेरिलियम ऑक्साइड का, किसका किसका प्रयोग करते हैं यह आपको याद रहेगा। पूछा जाए सर्वोत्तम मंदक कौन सा माना जाता है, आपसे पूछा जाए सर्वोत्तम मंदक कौन सा है, तो आप क्या बता देंगे, सर्वोत्तम मंदक क्या होता है, भारी जल। ये भारी जल क्या है, तो क्या बताएंगे, सर्वोत्तम मंदक है, सर्वोत्तम मंदक कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, भारी जल। सर्वोत्तम मंदक कौन सा है, तो आप क्या बता देंगे, भारी जल होता है। ऐसे ही एक बार आपसे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिवता या प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज, प्राकृतिक
रेडियो एक्टिवता की खोज, एक्टिवता की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज, याद रखिएगा हेनरी बेकुरल ने किया था। कब किया था तो क्या बताएंगे, 1896 में। कब किया था, 1896 में हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज 1896 में हेनरी बेकुरल ने किया था। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। ऐसे ही याद रखिएगा, जैसे पूछा जाए सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन होता रहता है ना, सूर्य में जो ऊर्जा बनती है, सूर्य में जो ऊर्जा बनती है ना, सूर्य में, या ऐसे पूछ लेंगे सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन आपसे पूछ लिया जाएगा, सूर्य में क्या होता है नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन, तो याद रखिएगा क्या होता है, नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा सूर्य में क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम का आविष्कार आपको पता ही है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया तो आप क्या बताएंगे, एडवर्ड, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड टेलर ने किया था। ऐसे जैसे कार्बन 14 है ना, C14, इसके माध्यम से क्या प्राप्त करते हैं, जैसे जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल होते हैं, या किसी भी चीज की जो आयु ज्ञात करते हैं है ना, कितने वर्ष पुराना है, वो किसके माध्यम से ज्ञात करते हैं, कार्बन 14 के माध्यम से ज्ञात करते हैं है ना। लेकिन जिसमें कार्बन हो, जिसमें कार्बन होगा उसी पर ये काम करेगा, कार्बन 14 याद रहेगा ना। ऐसे ही जैसे डीएसएलआई की हम बात करें, डीएसएलआई अगर हम किसकी बात करें, डीएसएलआई की बात करें तो आपको यह पता है कि डीएसएलआई में क्या होता है, लाल फास्फोरस, इसमें क्या होता है तो क्या बताएंगे, लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है, लाल फास्फोरस, याद रहेगा ना, डीएसएलआई की नोक में या किसी तरह केस भी पूछ ले तो क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है, लाल फास्फोरस। और साथ में याद रखिएगा कि इसमें फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का भी उपयोग होता है, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड किसका उपयोग होता है, फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का भी उपयोग होता है, लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का भी उपयोग होता है। किसमें होता है तो आप क्या बताएंगे, डीएसएलआई में होता है। ऐसे ही जैसे दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, दहन के लिए, दहन मतलब समझ रहे हैं ना, किसी चीज को अगर जलाना है तो कौन सी गैस होना आवश्यक है, याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है, किसी भी गैस को, सॉरी किसी भी चीज को जलाने के लिए आवश्यक। आपने देखा होगा कि पहले कुएं की सफाई होती थी, तो कुएं की सफाई करने से पहले क्या करते थे, एक रस्सी में लालटेन को बांध करके, जलती हुई लालटेन को बांध करके कुएं में डालते थे। अगर लालटेन बुझ गई तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है पर्याप्त मात्रा में, और अगर लालटेन जलती रही तो क्या होगा कि ऑक्सीजन है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन है तभी कोई चीज जलेगी। यानी दहन में सहायक कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और
बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो आप क्या बता देंगे, CO2 का। बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो आप क्या बता देंगे, CO2 का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो आप क्या बता देंगे, CO2 का। ऐसे ही गैस के गुब्बारों में, गैस के गुब्बारा आपने सुना होगा, गैस के गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग करते हैं, गैस के गुब्बारे में, है ना, याद रखिएगा, गैस के गुब्बारे में किसका प्रयोग करते हैं तो आप क्या बता देंगे, हीलियम का प्रयोग करते हैं। गैस के गुब्बारे में किसका प्रयोग करते हैं तो आप क्या बताएंगे, हीलियम का प्रयोग करते हैं। गैस के गुब्बारे में किसका प्रयोग करते हैं तो आप क्या बता देंगे, हीलियम का प्रयोग करते हैं। कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराया है ना। ऐसे ही पूछा गया, सिगरेट के धुएं में क्या क्या होता है, सिगरेट के धुएं में, है ना, सिगरेट के धुएं में क्या होता है, तो पहली बात तो इसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सिगरेट के धुएं में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और साथ में क्या होगा, निकोटीन, और साथ में क्या होगा, निकोटीन, है ना, क्या होगा, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और क्या होगा, निकोटीन होगा, यह भी याद रहेगा आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता ही है क्या होता है, वायु प्रदूषक होता है। एक मिक का नाम आपने सुना है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, भोपाल गैस त्रासदी, है ना, ये 1984 में हुई थी, करीब तीन डेट कुछ 3 दिसंबर या ऐसे थी, मिक, तो उसमें पूछा जाता है कौन सी गैस रिलीज हुई थी तो आप क्या बता देंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी। मेथेन के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, मेथेन याद रखिएगा, मेथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, मेथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। ये कहां पाई जाती है, दलदली स्थानों पर पाई जाती, पशु जब जुगाली करते हैं तब भी कौन सी गैस निकलती है, मेथेन निकलती, ग्लेशियर से भी क्या है, मेथेन गैस निकलती है, समझ रहे हैं ना। धान के खेत में भी कौन सी गैस पाई जाती है तो आप क्या बता देंगे, मेथेन गैस होती है, कौन सी गैस होती है तो आप क्या बता देंगे, मेथेन गैस होती। ऐसे ही एक चीज और याद रखिएगा कि गोताखोर क्या करते हैं, गोताखोर श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। गोताखोर किसका प्रयोग करते हैं तो क्या बताएंगे, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है, अम्ल वर्षा में अगर हम अम्ल वर्षा की बात करें, एसिड रेन, है ना, अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा में क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, SO2, और साथ में क्या होता है, NO2, क्या क्या होता है, SO2 और NO2, क्या क्या होता है, SO2 और NO2। ऐसे ही आपसे पूछा गया अश्रु गैस में किसका प्रयोग करते हैं, है ना, क्या पूछा गया है, अश्रु गैस, समझ रहे हैं ना, अश्रु गैस में तो क्या बताएंगे, अमोनिया का। अश्रु गैस में किसका प्रयोग करते हैं तो आप क्या बताएंगे, अमोनिया का। अश्रु गैस में किसका प्रयोग करते हैं तो आप क्या बताएंगे, अमोनिया का। फिर आपसे पूछा गया ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में, है ना, जैसे कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें जो चिपकते नहीं है, है ना, तो उसमें किसका लेप चढ़ाया जाता है, आप क्या बताएंगे, टेफ्लान का, है ना, किसका, टेफ्लान का, किसका लेप किया जाता है, टेफ्लान का। ध्यान रखिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आप देखेंगे 150 के ऊपर फैक्ट हो गए होंगे, 200 के ऊपर, और ये भी तय है कि इससे क्वेश्चन बनेगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और मेरी तरफ से क्या करिए कि लोगों को शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब तो करे ही रखिए, जिससे केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जो नेक्स्ट वीडियो फैक्चुअल हम बना के देंगे वो आपको मिल जाएगा। और साथ में याद रखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाए रखिए, जिससे जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।